मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। साल दर साल मैं आपके पास आया और आदर भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता रहा हूँ। दया करो, दया करो, उन पर दया करो जो बोल नहीं बेचारा बोल नहीं सकते, जो अपना दुख बता नहीं सकते। मुझे पता है आप सबके दिलों में दया भरपूर, सबके दिलों में दया भरपूर है। ऐसा क्या है जो आप लोग नहीं कर सकते? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी के 138वें जन्म दिवस के संबंध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यह रथ यात्रा इस जन्म दिवस का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस रथ यात्रा के आयोजन में जिन्होंने हमें सहयोग दिया, मैं उन सभी का आभारी हूँ, जिनकी मेहनत, जिनकी मोहब्बत और लगन का फल है ये सुंदर मेला। साथ ही साथ इस रथ यात्रा शामिल होने वाले एक एक व्यक्ति का मैं आभारी हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी के नाम में कितनी सुगंध है। उनका नाम लेते ही हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। वे खुदा का नूर थे, प्रेम की मूर्त थे, नम्रता की सूरत थे, दया और करुणा के सागर थे, पशु पक्षियों की महिषा थे, पशु पक्षियों के मसीहा थे। उन्होंने कई पशुओं को कसाई की तेज छुरियों से बचाया। गुरुदेव कहते थे, मैंने इन पशु पक्षियों में साक्षात प्रभु को देखा है। मेरे लिए पशु पक्षियों से प्यार न करने का अर्थ है प्रभु से प्यार न करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा है, हर रोज लाखों की संख्या में जिन पशुओं बेरहमी से कत्ल किया जाता है, वे मानव जाति की कितनी सेवा करते हैं। जब से सृष्टि की रचना रची हुई है, तब से ये मनुष्य के वफादार साथी रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहन, जब मैं लॉस एंजेलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था, एक दिन शाम को मैं एक बगीचे में सैर कर रहा था कि तभी मैंने एक आदमी को देखा जो एक बेंच पर अपने कुत्ते के साथ बैठा बातें कर रहा। कुत्ता उस आदमी की बात समझ रहा और अपने तरीके से उत्तर भी दे रहा।
मैं उस आदमी से बात करने के लिए रुका और उसे कहा, भाई क्या आप अक्सर इसी तरह अपने कुत्ते से बातें करते हो? उसने कहा, हाँ। आगे वह बोला, आप इसे कुत्ता समझते हैं, मैं तो इसे अपना बेटा समझता हूँ। ये मेरे साथ रहता है और ये मेरा सबसे अच्छा साथी है। मैंने फिर पूछा, क्या यह कुत्ता आपकी बातों का उत्तर देता है? यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा और बोला, हाँ, कभी यह अपनी पूंछ हिलाकर उत्तर देता है तो कभी किसी और तरीके से। मैंने आगे उससे कहा, क्या इस तरह आप अन्य पशुओं से भी बातें करते हैं? वह बोला, हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग सोचते हैं पशुओं में आत्मा नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि इंसानों की तरह पशुओं में भी आत्मा है। आत्मा है पशुओं में भी, आत्मा है, आत्मा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हमें अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी अपना जीवन प्यारा। जीवित रहना हर प्राणी का अधिकार है, तो फिर हम पशु पक्षियों को इस अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? मेरे प्रियजनों, जीव हत्या रोको, जीव हत्या रोको, जीव हत्या रोको। इस आदर्श को आप सब में जगाने के लिए ही गुरुदेव साधु वस्वानी का जन्मदिवस 25 नवंबर को सारे विश्व में इंटरनेशनल मीटलेस डे के रूप में मनाया जाता है, जो अब SAK साक एसोसिएशन के झंडे तले काम करता है। साक का अर्थ है स्टॉप ऑल किलिंग, S stands for stop, A for all, K for killing, stop all killing. हर प्रकार की हत्या को रोकना। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में 25 नवंबर के दिन कसाई घर बंद किए जाते हैं। देश विदेश में करोड़ों लोग 25 नवंबर को शाकाहारी होने का प्रण लेते हैं और हमें प्रतिज्ञा पत्र भेजते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी का संदेश सिर्फ एक शब्द में है और वो है प्यार। गिव अ हैंड। वो है शांति, वो है दया। दया करो, दया करो, दया करो। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, बार बार बोलो, दया करो, दया करो, दया करो। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, लाख बार बोलो, दया करो, दया करो, दया करो।
मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, बेशक रहेंगे, हत्या किसी की नहीं करेंगे, दया करेंगे। शनिवार के दिन 25 नवंबर साधु वासवानी मिशन कैंपस में मजलिस लगेंगे, आप सब उधर आना, आशीर्वाद देना। ओम शांति शांति शांति।